हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ना बोगी के साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ साइलेंट फीचर ऑफ CASNUB बोगी। सबसे पहले तो हम इनके बात कर लेते हैं टाइप्स की, कब कब इनका इंट्रोडक्शन हुआ। तो जो हमारी CASNUB बोगी है कई प्रकार की है। सबसे पहली जो हमारी CASNUB बोगी थी वो थी CASNUB 22W, 1972 में ये इंट्रोड्यूस की गई और इसे BOI वैगन में फिट किया गया और इसको टेस्ट किया गया अप टू 110 KMPH स्पीड तक। इसके बाद 1981 में इसे फिट किया गया बॉक्स वैगन के साथ और वहां पर इसको टेस्ट किया गया अप टू 90 KMPH, इतनी स्पीड तक इनको टेस्ट किया गया। सेकंड इनमें मॉडिफिकेशन किया गया तो हमारी आई CASNUB 22WR, इसका रेट्रोफिटेड वर्जन आया जो कि 1990 में। इसके बाद हमारा इसमें भी मॉडिफिकेशन किया गया तो CASNUB 22WM मॉडिफाइड, इसमें क्या किया गया, ब्रेक बीम को मॉडिफाइड कर दिया गया। जो ब्रेक बीम थी हमारी वो हैंगर टाइप ब्रेक बीम इसमें यूज की गई। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी बोगी आई वो आई CASNUB 22NL बोगी, 1989 से 1990 के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट जो हमारी बोगी थी वो है CASNUB 22NLB, 1990 से 1991 के बीच में। या नेक्स्ट जो बोगी थी हमारी वो CASNUB 22HS 1993 में। एक और बोगी हमारी यूज की गई वो हमारी CASNUB 22NLC बोगी। तो ये कुछ हमारी CASNUB बोगियां हैं। अब हम इन्हीं के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये तो टाइप्स हो गए हमारे, उसके बाद एक्सल लोड। तो HS बोगी का जो 22HS बोगी का था एक्सल लोड 22.9 था। NLC 22NLC बोगी का जो एक्सल लोड है वो 25 टन है और इसी में एक हमारी स्विंग मोशन बोगी भी है। ऑल अदर बोगीज वो 20.32। ऑल अदर CASNUB बोगीज जो हमारी 20.32 टन के लिए हैं, जिनको अपग्रेड किया जा सकता है 22.9 एक्सल लोड के लिए। नंबर थ्री, तीसरा जो हमारा पॉइंट हो जाएगा व्हील बेस। तो व्हील बेस कितना है, जो स्विंग मोशन बोगी है हमारी उसके लिए 1880 है हमारा, जबकि ऑल अदर बोगी है हमारी यानी WM, WR, इन सब के लिए जो हमारा व्हील बेस है वो 2000 प्लस माइनस 5 mm है। चौथा जो हमारा पॉइंट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन जनरल, सेंटर 2260 mm है। डिस्टेंस बिटवीन साइड बेयरर 1474 mm है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट हो जाएगा स्पीड की, अगर हम बात करें तो HS 22HS एंड LCCF 20C जो कि हमारी BLC वैगन में यूज की जाती है 100 KMPH के लिए, जबकि ऑल अदर होगी 90 KMPH के लिए फिट है ये, यानी इनकी मैक्सिमम स्पीड है, हम इनको इतने तक रन करा सकते हैं, स्पीड तक चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा व्हील डाया। तो 22WR जो हमारी बोगी है रेट्रोफिटेड जो है उसके लिए जो न्यू व्हील डाया है वो 956 mm है, जबकि कंडम जो हमारा है वो 906 mm है। ये हो जाएगा हमारा न्यू डाया और ये हो जाएगा कंडम डाया।
LCCF जो हमारी है 20C जो कि BLC वैगन में यूज की जाती है, इसके लिए हमारा 840 mm से 780 mm ये हो गया हमारा इसके लिए। नेक्स्ट हमारी हो जाएगी स्विंग मोशन के लिए 965 mm न्यू है, 920 mm कंडम है, 22 NLC इसके लिए 1000 mm न्यू है और 955 mm हमारा कंडम साइज है। एंड इन सब के अलावा जितनी भी बोगी हैं ऑल अदर CASNUB बोगीज इनके लिए हमारा 1000 mm न्यू हो जाएगा और 906 mm कंडम साइज हो जाएगा। व्हील डाया हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा CTRB टाइप क्या हो जाएगा, तो 22 NLC में के टाइप CTRB यूज की जा रही है, स्विंग मोशन में M टाइप CTRB यूज की जा रही है, इसके अलावा जितनी भी हमारी CASNUB बोगी हैं इनमें हमारी E टाइप CTRB यूज की जा रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 9 इलेक्ट्रोमेरिक पैड, शॉर्ट में इसको EM पैड बोलते हैं, यूज्ड इन ऑल CASNUB बोगी एक्सेप्ट 22W। इस बोगी को छोड़ के जितनी भी हमारी CASNUB बोगियां हैं उन सब में इसको यूज करते हैं। इसका जो न्यू साइज है वो 46 mm होता है जबकि कंडम साइज जो है वो 42 mm होता है। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी ट्रस बार या ब्रेक बीम, ट्रस बार को ब्रेक बीम भी बोलते हैं, दो प्रकार की हमारी ब्रेक बीम यूज की जाती है, पॉकेट टाइप और हैंगर टाइप। पॉकेट टाइप जो है हमारी यूज की जाती है ऑल CASNUB होगी एक्सेप्ट 22WM, CASNUB 22WM को छोड़कर बाकी सब में हमारी पॉकेट टाइप यूज की जाती है। तो हैंगर टाइप किस में यूज की जाती है, ये हमारी CASNUB 22WM। क्योंकि नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा 11 एंटी रोटेशन लग, फीचर तो एंटी रोटेशन लग कहां पर प्रोवाइड किया गया है, एंटी रोटेशन लग हैव बीन प्रोवाइडेड बिटवीन बोगी बोलस्टर एंड साइड फ्रेम। बोलस्टर और साइड फ्रेम के बीच में हमारे एंटी रोटेशन लग प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा सस्पेंशन, किस तरह का सस्पेंशन यूज किया गया है, तो सस्पेंशन जो हमारा वो लॉन्ग ट्रेवल हेलिकल सस्पेंशन यूज किया गया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पिवोट, CASNUB 20W में हमारा IRS टाइप सेंटर पिवोट यूज किया गया, जबकि इसके अलावा जो भी हमारी अदर्स हैं उनमें हमारा स्पेरिकल सेंटर पिवट यूज किया गया। पिवट पिन किस तरह की है हमारी, हेडलेस पिन फॉर CASNUB 22WR, कैसल नट पिन फॉर CASNUB 22WM, साइकिल टाइप विथ 173 mm हाइट फॉर CASNUB 22
NL and WM. Cycle type with 149 mm height. For CASNUB 22, NLM, NLB and HS Bogie. तो यहाँ पर देख लीजिए चार प्रकार के पिवट पिन हमारे यूज किए गए. हेडलेस पिन फॉर CASNUB 22W, WR के लिए कैसल नट पिन फॉर CASNUB 22WM, साइकिल टाइप विथ 173 mm हाइट फॉर CASNUB NL और WM के लिए, और साइकिल टाइप विथ 149 mm हाइट फॉर CASNUB 22 NLM, NLB और HS बोगी के लिए. पॉइंट हमारा और रह गया ट्रेमलिंग की, और बात कर लेते हैं. डायगोनल डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं डायगोनली, तो ये होती है 3000 प्लस माइनस 5 mm. इस तरह से ये हमारा एक साइड फ्रेम हो गया, ये हमारा दूसरा साइड फ्रेम हो गया. डायगोनल अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो ये डिस्टेंस होगी 3018 प्लस माइनस 5 mm, और अगर हम इस तरह से बात करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल में बात करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 2260 प्लस माइनस 5 mm. ये किस तरह से होगी, अगर साइड फ्रेम हमारा इस तरह से है तो ये वाली डिस्टेंस इस तरह से जब हम मेजर करते हैं डायगोनल सीधे डायरेक्ट या हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, तो ये हमारी ये होगी. जबकि अगर हम डायगोनली क्रॉस में मेजर करेंगे तो 3018 प्लस माइनस 5 mm. ये बोगी की हमारी CASNUB बोगी की ट्रेवलिंग है. तो ये आज हमने इसमें इस वीडियो में CASNUB बोगी के साइलेंट फीचर्स के डिस्कस किया. वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू फ्रेंड्स.